हे माय बटरफ्लाई, कैसे आप सब? गुड। फाइनली मिलिट्री सेरेमनी वीडियो। बैंक पीडी भी आए थे। बैंक पीडी ने सबको हॉट पैक्स दिए। हेलो बैंक पीडी। बैंक पीडी कह रहे हैं और हॉट पैक्स, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। थैंक यू। बैंक पीडी कह रहे हैं और तुम्हारी स्किन के लिए सनस्क्रीन? नहीं, अभी सनस्क्रीन नहीं। और हमने कहा स्किन कंडीशनर। बैंक पीडी कह रहे हैं आप जानते हैं इस तरह की चीज़ें। वाओ, बैंक पीडी को ये भी पता है कि उनका कौन सा मेंबर फेस पर क्या लगाता है। दैट्स सो स्वीट। बैंक पीडी ने आरम को उसकी स्किन के लिए भी क्रीम दी, तभी बीटीएस ने इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आरम इससे कह रहे डोंगी नेम वी कह रहे और डोंगी नेम मैं तुम्हें देख कर बहुत खुश हूँ। वी कह रहे मैं भी तुम्हें देख कर बहुत खुश हुआ। जब हम खाना खाएंगे तब मैं तुम्हें देखूंगा। आरम कह रहे हाँ तुम्हें थैंक यू, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ। आरम कह रहे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ क्योंकि थेओंग मेरे साथ अंदर जा रहा है। वी कह रहे सबसे पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आरम कह रहे क्या आपको नहीं लगता हम ऐसा करेंगे? वी कह रहे लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब हम एक दूसरे से टकराएंगे तो हम सचमुच हंसने लगेंगे? आरम कह रहे क्या आपको नहीं लगता कि ये सोचना थोड़ा हिम्मत देने वाला है कि जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो आप भी साथ में कड़ी मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल। वैसे ये तो वी ने सही कहा, जब आपस में टकराएंगे तो हंसेंगे ज़रूर। फिलहाल जब तक इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती है कि कैंप में है, यूनिट अलग है, यानी कि फाइव वीक के साथ में ही है। वी जिमिन से कह रहे हैं सॉरी कि मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता, मतलब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ सकता। जिमिन कह रहे तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम पहले जा रहे हो। वी कह रहे हैं हेलो किम त्योंग का यह ब्लॉक है। किम त्योंग, इस बार मैं मिलिट्री जा रहा हूँ। मैं जाऊँगा और अच्छे हेल्थ के साथ वापस आऊँगा। मैं कुछ समय तक वीलॉग नहीं देख पाऊँगा, लेकिन प्लीज़ अपलोड करना जारी रखे, किसी दिन मैं उन्हें देखूँगा। नहीं वी, तुम देख सकते हो, मिलिट्री में फ़ोन और नेट दोनों ही अलाउ हैं, तुम कुछ भी देख सकते हो। जेके तुम्हें अपने बाल सेव करा लेने चाहिए। जिमिन कह रहे हैं मैं जाने से ठीक एक दिन पहले कराऊँगा। स्टाफ बोले क्या तुमने अपना सिर सेव किया? जेके बोले हाँ, चलो देखते हैं। फिर जिमिन बोलते हैं हेयोंग ने भी काट दिए। जेके बोले ये क्या है, ये तुम्हें सूट कर रहा है, ये हेयर हम सब पर सूट कर रहा है। हम जाएंगे और जल्दी वापस आएंगे और अच्छे से वापस आएंगे। हाँ टाइम बहुत जल्दी बीत जाएगा, हम जल्दी वापस आएंगे। बीटीएस जब भी कुछ करते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है, अलग होता है। परसों जब सारे मेंबर मिलिट्री के लिए गए थे, मतलब मिलिट्री में चले गए थे, कोरिया में इतनी ठंड में चेरी ब्लॉसम के फूल खिले थे। ये बात न्यूज़ वालों ने कही कि इतनी ठंड में भी चेरी ब्लॉसम खिल गए। और उसी दिन बीटीएस का सॉन्ग स्प्रिंग डे आईट्यून पर नंबर 1 पर था। बुसन कॉन्सर्ट में भी जब बीटीएस का लास्ट कॉन्सर्ट था, कोरिया की पहाड़ी पूरी पर्पल फूलों से सज गई थी, मतलब पूरी पहाड़ी पर पर्पल फूल खिले थे। उस वक्त ये न्यूज़ भी मीडिया वालों ने बताई थी और मैंने भी अपडेट में बताई थी। माफ़ करना, मेरे पास अभी उसकी फ़ोटो ढूंढने का टाइम नहीं है, जब मिलेगी तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर लगा दूंगी। अब बीटीएस कुछ भी करता है कुछ ना कुछ हो ही जाता है। दे आर यूनिक एंड डिफरेंट। अगर फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन, गुड नाइट।